काग बजाई खेत सिंह बड़ कठयो वरंग संग लड़ियो सुरतान रे रूपावत ने रंग। रूपावत राठौड़ खेत सिंह है वह योद्धा जिसने एक चुटकी नमक की कीमत के खातिर अपनी जान न्योछावर कर दी। एक साधारण राजपूत की असाधारण गाथा। मारवाड़ में उस वर्ष सूखा पड़ा था, खेतों में पूरे वर्ष खाने लायक बाजरा तक पैदा नहीं हुआ था। ऐसे में जोधपुर से कुछ कोस दूरी पर एक ढाणी में रहने वाले गरीब राजपूत खेत सिंह ने लकड़ियां इकट्ठा कर उन्हें जोधपुर शहर लाकर बेचना शुरू कर दिया, ताकि लकड़ी बेचने से हुई आमदनी से अपने घर का खर्च चलाया जा सके। नौजवान खेत सिंह अपनी ढाणी में बूढ़ी माँ व अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ रहता था। उसका ब्याह हुए अभी कोई तो एक महीने ही हुए होंगे। उस दिन खेत सिंह ने लकड़ियां इकट्ठा करने में थोड़ी देर कर दी। वह लकड़ियां ऊंट पर लाद कर जब जोधपुर शहर पहुंचा तब तक सांझ ढल चुकी थी, इसलिए उसे दूसरे दिन लकड़ियां बेचने हेतु शहर में रुकना था। सो वह रात गुजारने हेतु निमास के ठाकुर सुल्तान सिंह जी की हवेली में पहुंचा। उन दिनों ठाकुर सुल्तान सिंह हवेली में ही ठहरे थे। उनसे मिलने आने वालों के लिए उनका रसोड़ा 2400 घंटे खुला रहता था। खेत सिंह ने अपने ऊंट को हवेली की चार दीवारी में एक जगह बांधकर उसे चारा डाल दिया। वह खाने को बाजरे की रोटियां तो साथ लाया ही था और थोड़ी सी दाल ठाकुर साहब की रसोड़ी से लेकर खाना खा वहीं अपने ऊंट के पास जमीन पर ही लेटकर सो गया। सुबह उठकर जैसे ही वह अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हुआ तभी उसे एक ऊंचा स्वर सुनाई दिया, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को ठाकुर साहब ने बुलाया है। अतः अति शीघ्र उनके पास पहुंचे। खेत सिंह भी ऊंट को वहीं छोड़ अपनी टूटी म्यान वाली तलवार सहित सभी लोगों के साथ ठाकुर साहब के सम्मुख पहुंच गया। ठाकुर साहब ने सभी को संबोधित कर कहा, कुछ लोगों ने जोधपुर दरबार महाराजा मानसिंह के कान मेरे विरुद्ध भर दिए हैं और इसी वजह से दरबार मुझे मरवाने या बंदी बनवाने की ताक में थे। आज उन्होंने अपनी मनोकामना पूरी करने हेतु मेरी हवेली को चारों तरफ से सैनिकों से घिरवा दिया है और जोधपुर किले की तोपों का मुंह मेरी हवेली की तरफ मोड़ दिया है। पर मैं भी एक राजपूत हूँ, कुत्ते की तरह पकड़े जाने के बजाय युद्ध कर वीरतापूर्वक मरना पसंद करूंगा। आज अवसर आ गया है कि मैं सम्रांगण में अपनी तलवार का पानी दिखा सकूं। आप लोगों में जो भी मेरा साथ देना चाहे वे यहाँ मेरे साथ ठहर जाए, बाकी ये लोग खुशी से अपने घर जा सकते हैं। ठाकुर साहब के इतना कहते ही कई लोग वहाँ से खिसकने शुरू हुए। तभी आगे बढ़कर खेत सिंह ने कहा, मैं दूंगा आपका साथ। तुम कौन हो मैं तुम्हें नहीं पहचानता, और तुम क्यों मेरे साथ अपने प्राण गंवाने पर तुले हो? जाओ और अपने बाल बच्चों का ध्यान रखो। मैं एक राजपूत हूँ और मैंने कल रात आपके रसोड़ी से लेकर थोड़ी दाल खाई थी, उसमें आपका नमक था, इसलिए मैं उस नमक का मोल चुकाने आपका साथ दूंगा। अच्छा, तो क्या मेरा चुटकी भर नमक इतना महंगा है जो तुम उसके बदले अपना सिर देने के लिए तैयार हो गए? खेत सिंह बोले, ठाकुर साहब नमक हमेशा राजपूतों के सर से महंगा होता है। ठाकुर सुल्तान सिंह ने पूछा, और एक राजपूत के सिर की क्या कीमत होती है? खेत सिंह बोले, वह तो सदैव सस्ता होता है, इसीलिए तो राजपूतों के सिर की हर ओर मांग रहती है और इसी वजह से राजपूत की इज्जत है और रहेगी। जिस दिन राजपूत का सिर महंगा हो जाएगा उस दिन उसकी कोई इज्जत और ज़रूरत नहीं रह जाएगी, वह भार स्वरूप और बिना काम का रह जाएगा। ठाकुर साहब ने उसके घर के बारे में जानकारी ली। वह उसे समझाया कि उसकी बूढ़ी माँ व उसकी पत्नी की देखभाल कौन करेगा, इसलिए नादानी छोड़ वह अपने घर के लिए निकल ले। पर खेत सिंह ने तो साफ कह दिया था कि उसकी माँ व पत्नी की चिंता ईश्वर करेगा, और यह साधारण सी बात हर एक राजपूत को जाननी चाहिए। ठाकुर साहब ने उसे रुकने की आज्ञा नहीं दी, पर वह तो अपनी ट्यूटी म्यान से तलवार निकालकर महल से उतर गया और बोला, मुझे मेरा कर्तव्य आज्ञा दे रहा है ठाकुर साहब, इसलिए आप मुझे धर्म संकट में मत डालिए, अपना कर्तव्य पूरा करने दीजिए। थोड़ी ही देर में समत 1876 की 60 बदी एकम को जोधपुर के किले से तोपों व बंदूकों से हवेली पर गोलीबारी शुरू हो गई। दोनों ओर के योद्धा भिड़ गए और कटकट कर भूमि पर गिरने लगे। तभी वहां उपस्थित लोगों व सैनिकों ने देखा, एक फटे पुराने कपड़े पहने युवक अपनी पुरानी सी तलवार ले जोधपुर की सेना पर टूट पड़ा और उसी तलवार के जोहर से कोई 500 सैनिकों को गाजर मूली की भांति काटकर चारों ओर हाहाकार मचा दिया। तभी एक बंदूक की गोली उसके हाथ में लगी, उसने तलवार दूसरे हाथ में थामी और मारकाट मचाता रहा। आखिर उसका शरीर गोलियों से छलनी कर दिया गया, पर उसकी तलवार तो अभी तक नमक का मोल चुकाने में तन्मय थी।
आखिर एक गोली उसके सिर में लगी और वह युद्ध भूमि में धराशायी हो गया। शायद अब नमक का मूल्य चुक गया था। धन्य हो कैसी हैं तुम जिसने एक चुटकी नमक के लिए इतनी बड़ी कीमत चुका थी। हमारे आगे तो जिस दिन अपनी मातृभूमि के लिए नमक का मूल्य चुकाने का वक्त आएगा, तब हम धरने देकर मशाल जुलूस निकालकर और दुश्मन देश के खिलाफ एक सख्त वक्तव्य जारी कर अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेंगे, क्योंकि हमें तो हमारे देश के कर्ता धर्ताओं ने बस यही सिखाया है। और हाँ, अब हमारे सिर भी महंगे हो गए हैं, इसीलिए शायद उनकी कहीं मांग नहीं रही। दोस्तों, एक साधारण से राजपूत रूपावत खेत सिंह जी राठौर के इतिहास से जुड़ा यह साधारण किस्सा आपको कैसा लगा, कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौर जल लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।